ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैंने किस तरह से इस यूज़र को सेव करवाया है। मैं सबसे पहले तो कोर डॉट जे एस में जाके, जो मैंने पहले ग्लोबल यहाँ पे आईओ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, उसके साथ मैंने क्या कर लिया है, एक सॉकेट यूज़र्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, जिसका स्कीमा कुछ इस तरह होगा कि इसके अंदर की जगह पे बंदे की अंडर स्कोर आईडी होगी और उसके अगेंस्ट जो है पूरा का पूरा उसका सॉकेट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये ऐसा सॉकेट ऑब्जेक्ट होगा, इस पर मैं जब इमिट मारूंगा तो सिर्फ इसी यूज़र को नोटिफिकेशन जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा। ठीक है, और ये इसको मैं स्टोर कैसे करवाता हूँ, ये जो मेरा मिडिल वेयर है सॉकेट का, मिडिल वेयर के अंदर मुझे यहाँ पे इस तरह करके मैं इसको स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार डिकोडेड से जो मिला है ना आपको आईडी, क्योंकि ये यूज़र अब कनेक्ट होने जा रहा है, ठीक है, ये यूज़र अब कनेक्ट होने जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सॉकेट यूज़र्स का जो मैंने बनाया हुआ था वेरिएबल, जो यहाँ पर मैंने इसको ऊपर इम्पोर्ट भी कर लिया है, सही है, जस्ट लाइक ग्लोबल, और इसके अंदर मैं अंडर स्कोर आईडी के साथ और वो पूरा का पूरा सॉकेट ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब लिहाजा क्या होगा कि जब मैं मैसेज सेंड करता हूँ किसी बंदे को, ठीक है, मैं गया चैट डॉट एम जी एस के ऊपर, ठीक है, यहीं पे मैसेज सेंड होता है ना। अच्छा, तो पहले मैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट के ऊपर इमिट मारता था, अब मैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट के ऊपर इमिट नहीं मारूंगा। ठीक है, अब मैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट पे इमिट नहीं मारूंगा, अब मैं किस पे इमिट मारूंगा, अब मैं इमिट करूंगा सॉकेट यूजर्स के ऊपर। सॉकेट यूजर्स को मैंने ये पकड़ा, और सॉकेट यूज़र्स को यहाँ पे पकड़ने के बाद अब जब कोई भी बंदा मैसेज एक दूसरे को सेंड करेगा तो मैं क्या करूँगा, सॉकेट यूज़र्स के अंदर से क्या निकाल के लाऊँगा मैं, यूज़र आईडी। किसकी यूज़र आईडी, जिस बंदे को मैसेज भेजा जा रहा है, ज़ाहिर उसी को नोटिफिकेशन भी भेजना है ना, तो ये जो टू वाली थी ना वो कहाँ गया, वो ये रहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टू की जो आईडी है, मैंने बोला ये वाला यूज़र निकाल के लाओ, तो सॉकेट यूज़र्स में से वो यूज़र निकल आया। अब डॉट करूँगा मैं इमिट यहाँ पे से, ठीक है, और अब डॉट इमिट करने के बाद मैं वही वाली मतलब बात करूँगा जो मुझे जो मैं पहले करता था, सही है, ये मैंने वही वाली पूरी बात कर दी, ये मैंने इमिट करवा दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या इमिट करवाई है मैंने, ये नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन को भी यहाँ पे मैं ऐसे लेकर आ जाता हूँ, नोटिफिकेशन के साथ भी मैं क्या लगा देता हूँ, ये वाली बात लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों मैसेज इस तरह इमिट करवा दिया मैंने। अच्छा, आप दोनों मैसेज को इमिट करवाते हुए आप नोट करें कि चैनल का नाम मैंने यहाँ पे क्या रखा था, इस बंदे की आईडी रखी थी नाम। अब जाहिर है कि जिस बंदे को मैं मैसेज भेज रहा हूँ कि उसी को ही जाएगा, किसी और को ये जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि किसी और को चला जाए, पॉसिबल ही नहीं है कि ये किसी और को चला जाए, तो यहाँ पे क्या मुझे इसकी आईडी रखनी चाहिए, अब मुझे चैनल इसका चेंज कर देना चाहिए, अब मुझे चैनल कर देना चाहिए इसका न्यू मैसेज। ठीक है, जो कि प्रॉपर यही तरीका है। ठीक है, इस तरह से एक चैनल होगा न्यू मैसेज, और जितने भी लोग न्यू मैसेज के लिए लिसन कर रहे होंगे ना वो इसी चैनल को लिसन करेंगे, लेकिन जब मैं इस तरह करके इमिट करूंगा तो सबके पास नहीं जाएगा, सिर्फ एक यूज़र के पास जाएगा, सही है। इसी तरह यहाँ पे भी जो नोटिफिकेशन जो है, सही है, यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन ऐसे करके चैनल बनाऊंगा ना। ठीक है, अब चैनल पे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिसको भेज रहा हूँ उसी के पास जाएगा, जिसको मैं नहीं भेज रहा उसके पास कैसे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, कोई अगर ऐसी चीज़ होगी जो मुझे सबको भेजनी है, जो कि बहुत ही कम ऐसा होता है, तो फिर मैं ग्लोबल करके भी भेज सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल ये ग्लोबल वाले को क्या कर देता हूँ, कॉमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये ग्लोबल वाला, ठीक है, इस पर मैं ये लिख भी देता हूँ कि ग्लोबल इमिट्स पब्लिकली, सही है, सही है, ये मैं प्राइवेटली इमिट कर रहा हूँ किसी एक यूज़र को। अच्छा, अब देखते हैं क्या रिपोर्ट है। अब मैं, अच्छा, मैं फ्रंट एंड पे भी जाके अब ये चेंज कर दूंगा। ठीक है, न्यू अंडर स्कोर मैसेज और नोटिफिकेशंस, अब ये दो है जिस पे मैं मैसेजेस भेजता हूँ। मैं वेब पे जाता हूँ, मैं एस आर सी पे जाता हूँ, और मैं चैट डॉट जे एस एक्स पे जाके ये जो मैंने लिखा हुआ था ना यूज़र्स वाला ऐसे करके, इसमें मैं लगा देता हूँ अब न्यू अंडर स्कोर मैसेज। ठीक है, न्यू अंडर स्कोर मैसेज यही रखा था मैंने नाम, सही है, न्यू अंडर स्कोर मैसेज हो गया। अच्छा, इसी तरह दूसरे में मैंने रखा था नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर मैं इसके लिए नोटिफिकेशंस के लिए लिसन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया जी, ये हो गया, और अच्छा, अब मुझे ये स्टेट स्टेट ये सब चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टेट मैंने इसलिए लगाया था कि वो यूज़र की आईडी पहले अवेलेबल ही नहीं होती थी, वो स्टेट होता था तो अवेलेबल होती थी, और वो सारे मसले, वो डबल डबल रजिस्टर होना, और वो सारा मसला मेरा इस वजह से हल हो गया, क्योंकि अब मैं सॉकेट किसके ऊपर लिसन मारूंगा, अब मैं
मैं लिसन मारूंगा इसके ऊपर, नोटिफिकेशंस के ऊपर, लिहाजा मुझे कि यहाँ पे कुछ ये इफ़ वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये इफ़ हटा दूंगा मैं अब यहाँ से। ठीक है, ये इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये क्या हुआ? अच्छा, वो हाँ वो स्ट्रिंग क्लोज सही तरह नहीं हुआ था। ठीक है, सॉकेट डॉट आयो नोटिफिकेशंस पर डायरेक्ट वो लिसन मारेगा नो मैटर वॉट। ठीक है, अच्छा अब क्या हो गया मेरे, अब मेरे जो है इसको क्या हो गया, लॉगआउट किस खुशी में हो गया, ये टोकन एक्सपायर इतनी जल्दी, 24 घंटे नहीं यार, अभी तो मैंने लॉगिन किया था उसको। चलो खैर कोई मसला नहीं है। अच्छा ये ABC दोबारा लॉगिन करा दिया मैंने, और ये मैसेज कर रहा है किसको, अब ये मैसेज कर रहा है जंबो को। ठीक है, और यहाँ कौन लॉगिन है, यहाँ पे जंबो लॉगिन है। अरे यार ये तो सारे कैसे लॉग आउट हो गए, jumbo@dumbo.com 1 2 3 4 5 6 एंटर। ठीक है जी, ठीक है, ये जंबो और ABC आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं अभी, जंबो और ABC आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो अगर ABC मैसेज भेजता है कोई, हाय जंबो नाउ एंटर, तो ये इस यहाँ पे पहुँच गया, हाय जंबो नाउ। ठीक है, अच्छा यहाँ से जब मैं कोई मैसेज बोलता हूँ, मैंने कहा हाय ABC नाउ एंटर, तो ये हाय ABC नाउ यहाँ पे पहुँच गया। अच्छा लेकिन जब ABC और जंबो की आपस में बात हो रही है ना, तो ये मैसेज किसी और को नहीं दिखना चाहिए, और किसी और को दिख भी नहीं सकता अभी, क्योंकि मैंने सेटिंग ऐसी कर दी है। अच्छा लिहाजा इसको वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, अंकल जॉन का अकाउंट लॉगिन करूँगा। ठीक है, इसको लॉगआउट करूँगा मैं, लॉगआउट हो गया, ये क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, कोड ब्रेक हो गया शायद। अच्छा लॉगआउट हो गया वो, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया था। अच्छा uncle@john.com सही है, 1 2 3 4 5 6 एंटर। अच्छा अब अंकल जॉन भी किससे बात कर रहे हैं, डम्बो से बात कर रहे हैं, सही है, ये किसी से भी बात कर रहे हैं। अबे ये मैंने अंकल जॉन किस पे लॉगिन कर दिया, मैंने ये मैंने गलत पे लॉगिन कर दिया अंकल जॉन। लॉग आउट कर देते हैं इसको, यहाँ पे मैं ABC को कर लेता हूँ ना पहले, तो ये मेन जो है मेरा वो ABC है, मैं हूँ खुद। ठीक है, ABC बात किससे कर रहा था, जंबो से बात कर रहा था, ABC जंबो से बात कर रहा था, सही है। अच्छा यहाँ पे इसको मैंने, इसको जंबो को मैंने लॉग आउट मारना था, ये मैंने जंबो को लॉग आउट किया, लॉग आउट के बटन पे मैंने उसको राउट नहीं करवाया ना होम पेज पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने अंकल जॉन को अब लॉग इन करना है, uncle@john.com 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अंकल जॉन किसी को मैसेज, मतलब ये जंबो वाले कन्वर्जेशन खोल ली इन्होंने। तो अब जब मैं यहाँ से एक मैसेज भेजता हूँ, किसको भेज रहा हूँ मैं, जंबो को, जंबो लिसन किस पे कर रहा है, किस चैनल पे कर रहा है, न्यू मैसेजेस पे लिसन कर रहा है। ठीक है, जंबो भी न्यू मैसेजेस पे लिसन कर रहा होगा अगर वो कहीं से लॉगिन है तो, और इस वक्त अंकल जॉन भी किस पे लिसन कर रहे हैं, न्यू मैसेज पे ही लिसन कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ से एक नया मैसेज यहाँ से भेजता हूँ मैं, तो ये किस चैनल पे इमिट हुआ है, न्यू मैसेजेस के चैनल पे इमिट हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या ये अंकल जॉन को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने इमिट करते हुए एक खास यूज़र की ID पकड़ी और मैंने कहा सिर्फ इसको इमिट करो, किसी और को इमिट ना करो। तो ये अंकल जॉन के पास कुछ भी यहाँ पर नहीं आया, बावजूद इसके कि अंकल जॉन भी कनेक्टेड है। यहाँ पे मैं आगे देखूंगा तो अंकल जॉन के पास एक यहाँ पे पेंडिंग कनेक्शन कहीं ना कहीं आ रहा होगा। किधर आ रहा है भला, सही है, ये रहा वेब सॉकेट का एक कनेक्शन आ रहा है। ठीक है, 5002 इसका इस वक्त एड्रेस है। तो अंकल जॉन भी कनेक्टेड है इस वक्त, लेकिन मैं जब क्या करता हूँ, मैं अपने चैनल से मैं जब मैसेज मारता हूँ, ठीक है, जंबो को, तो अंकल जॉन को ये मैसेजेस नहीं मिलते हैं। अच्छा ऑन अदर एंड अब मैं आता हूँ और अंकल जॉन को मैसेज मारता हूँ, अंकल जॉन को मैसेज मारने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे अंकल जॉन की ID चाहिए सबसे पहले, तो अंकल जॉन से एक पोस्ट करवाता हूँ मैं, IM अंकल, सही है, जॉन पोस्ट, पोस्ट फेल हो गई अंकल जॉन की, इमेज चाहिए, रिक्वायर्ड है, नहीं नहीं चलो अंकल जॉन से मैंने कार पोस्ट करवा दी। यार पोस्ट क्यों फेल होने लग गई, अल्लाह की
अबे इसमें कोर्स कोर्स का इशू आ गया यार, ये क्या बकवास है यार। वो कोर्स का इशू सब में आने लग गया, इसमें भी आने लग गया। अच्छा सर्वर ही क्रैश हो गया। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइन ऑफ साइज, ये साइज क्या चीज़ थी यार। अच्छा 2 MB, अच्छा अच्छा वो 2 MB, अच्छा 2 MB वाला माल था ये साइज। हाँ अच्छा वो मैंने लगाया पता, डाउनलोड्स में मैं इसका साइज़ देख लेता हूँ यार। 59 KB सही है साइज़। चलो सही है, सर्वर को मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ये वैसे देखना पड़ेगा कि क्या इशू है ये, इसको ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है वेल, चलो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसके साथ भेज देता हूँ। हो गया भाई पोस्ट, अंकल की पोस्ट आ गई इधर। सही है, अंकल ने पोस्ट कर दी इधर। अबे ये लॉग आउट हो गया, क्या बकवास है। ये क्या हो रहा है यार, लॉग आउट थोड़ी देर में खुद हो जा रहा है। अब ये कोई भंड हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है ये। सही है, ये अंकल जॉन थे ना, uncle@john.com। एंटर, अंकल जॉन लॉग इन हो गया भाई। सही है, इनकी पोस्ट भी आ गई। अच्छा यहाँ पे ये तो लॉग आउट नहीं हो गया, इसको रिफ्रेश। अबे ये भी लॉग आउट हो गया, ये क्या चक्कर हो रहा है यार, हर 5 मिनट पे लॉग आउट हो जा रहा है। सही है, इसको भी दोबारा किया मैंने। ठीक है अब मैं ABC मौजूद हूँ और यहाँ पे अंकल जॉन मौजूद हैं। ठीक है, और अंकल जॉन क्या कर रहे हैं, अंकल जॉन बात कर रहे हैं मेरे से और मैं बात कर रहा हूँ अंकल जॉन से। कहाँ गया ABC, ये ABC है। ठीक है अब मैं अंकल जॉन को जब कोई मैसेज भेजता हूँ यहाँ से तो वो अंकल जॉन को रिसीव हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं यही मैसेज किसी और को भेजता हूँ, मैं वापस होम पे जाता हूँ और होम पे जाके मैं वापस क्या करता हूँ, ये जंबो को मैसेज भेजना शुरू करता हूँ अब। ठीक है भाई, ये लो ये मैसेज फेल हो रहे हैं यार, ये क्या सीन है यार, सर्वर फिर क्रैश हो गया मेरा। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड इमिट, एरर सेंडिंग मैसेज MongoDB। यार ये असल में हमने ना जो ये इमिट का वो फंक्शन लिखा है ना, उसी में ही कोई प्रॉब्लम है, उसी में ही कोई प्रॉब्लम है, है ना। NPM रन डेव करता हूँ मैं, और NPM रन डेव करके एक दफ़ा इसको मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये कौन से पॉइंट पे एग्जैक्टली आता है। मुझे लग रहा है ये डॉट इमिट जब मैं हिट करता हूँ ना तो फिर ये मसला करता है, जब मैं ये डॉट इमिट हिट करता हूँ ना तो जब मुझे मसला करता है। अच्छा ये डॉट इमिट, अच्छा ये मेरे समझ आ गया क्यों हो रहा है, ये बताओ क्यों हो रहा है, किसी को पता चला। भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं, देखो मैं लॉगिन हुआ, मेरा तो यहाँ पे बन गया सॉकेट यूज़र, मैं लॉगिन हुआ तो मेरा सॉकेट यूज़र बन गया, लेकिन इस वक्त जंबो लॉगिन नहीं है, जंबो लॉगिन नहीं है, जंबो की स्क्रीन खुली भी नहीं है, तो जंबो का ये यूज़र मौजूद ही नहीं है। मैं जब जंबो की आईडी लगा के इससे गाइड करूँगा तो कुछ नहीं मिलेगा, जंबो इस वक्त लॉगिन है ही नहीं, जंबो तो सोया हुआ है। अच्छा जब वो उठेगा और लॉगिन करेगा तो वो तो वैसे ही दिख जाएगा उसको, पहले स्क्रीन लोड होते ही वैसे ही दिख जाएगा उसको, तो इस वक्त वो जंबो तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ऑन अदर एंड अंकल जॉन लॉगिन है, जब मैं अंकल जॉन को मैसेज भेजता हूँ तो सब ओके रहता है, क्योंकि अंकल जॉन भी लॉगिन है मैं भी लॉगिन हूँ, तो लिहाजा मुझे करना ये होगा, मुझे इसके ऊपर एक इफ़ लगाना होगा कि भाई अगर ये यूज़र एग्जिस्ट करता है तो इस पर इमिट करो, अगर ये अनडिफाइन मिल रहा है तो फिर इस पर इमिट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब वो लॉगिन है ही नहीं, वो है ना, जो बंदा लॉगिन नहीं है उसको रियल टाइम नोटिफिकेशन नहीं भेजा जा सकता है। सही है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या लगेगा, एक अदद इफ़ लगेगा, इफ़ लगा देते हैं। मैंने कहा भाई इफ़ अगर ये हो तो ही आप क्या करो, इसको रियल टाइम नोटिफिकेशंस भेजो। ठीक है, इफ़ यूज़र इज़ ऑनलाइन,
इफ़ यूज़र इज़ ऑनलाइन तब इसको मैसेज भेजो। अच्छा एक यहाँ पे और चीज़ हमने मिस कर दी, वो मिस हमने ये कर दी कि जब यूज़र डिस्कनेक्ट होता है ना तो हमें इसको ख़त्म भी करना है इसमें से, करना है इसका मतलब है यूज़र अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो हमें इसमें से ख़त्म भी करना है। अच्छा डिस्कनेक्ट का इवेंट हमें मिलता है तो वो हम 5 मिनट में करते हैं, पहले ही हमारा जो इशू था ना ये रिजॉल्व हो गया कि नहीं हो गया ज़रा देखते हैं हम। सही है, अभी हमारे पास एक तरफ अंकल जॉन मौजूद हैं और एक तरफ मौजूद हूँ मैं खुद ABC, ठीक है, जो कि लॉग आउट हो चुका हूँ मैं। वो लॉग आउट असल में इसी वजह से हो जाता हूँ कि एक सर्वर क्रैश होता है और सर्वर क्रैश होते ही उसको कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है। इसको भी मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये भी लॉग आउट हो चुका है। मैंने कहा कि अंकल एट द रेट जॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अंकल जॉन लॉग इन हो गए। अभी ये क्या रिफ्रेश करते ही लॉग आउट, अब क्या मसला है? हाँ भाई किसी को पता लग रहा है क्या मसला है? हो सकता है अच्छा else में मैं एक और भी प्रिंट भी लगवा रहा हूँ यहाँ पे console.log कि दिस यूजर इज नॉट ऑनलाइन। सही है ये भी लगवा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन जस्ट मैं अभी अपने अपने देखने के लिए लगा रहा हूँ एक्चुअली। सही है तो मैं कह रहा हूँ कि भाई दिस यूजर इज नॉट ऑनलाइन। सही है जी, यार लॉग आउट हो जा रहा है ये। अगेन मैं लॉग इन करता हूँ ABC को, अगेन मैंने ABC को लॉग इन किया और ABC को लॉग इन करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो लॉग आउट। ये क्या चक्कर हो रहा है यार? व्हाट इज दिस यार? कुकीज़ तो मैंने बिल्कुल सही लगाई हुई है ऊपर, ये मेरा सर्वर है ना, मेन सर्वर है मेरा ये। इस मेन सर्वर में मैंने ऐसा क्या चेंज किया है? अभी हुआ है जो भी हुआ है चेंज, इससे पहले तो ये इशू नहीं होता था, ये अभी हुआ है 5-10 मिनट के अंदर अंदर ही हुआ है। लोकल होस्ट 3000 क्रेडेंशियल ट्रू, दैट्स इट, ओके परफेक्ट है ये। नहीं वो तो जस्ट एक फंक्शन के तौर पे यूज़ हो रहा है, मेन कुकी पार्सल तो नहीं छिड़ा ना उसकी वजह से, ठीक है। इसको ज़रा इंस्पेक्ट करते हैं अब। सही है, इंस्पेक्ट ऐसे करते हैं मैं लॉग इन करता हूँ और लॉग इन करते हुए मैं एक एक रिक्वेस्ट को यहाँ पर मॉनिटर करता हूँ। ये एक एक रिक्वेस्ट को मैंने मॉनिटर कर लिया, सब कुछ ओके है। अभी मैं जाके देखता हूँ मेरे पास एप्लीकेशन के अंदर कुकी एग्जिस्ट कर रही है। हाँ कर रही है एग्जिस्ट। सही है, अच्छा मैं अब नेटवर्क में आया, सारी नेटवर्क की जो रिक्वेस्ट थी उसको मैंने रिमूव किया। सही है, सारा मैंने क्लियर मारा। ये कैशे वैशे जो मैंने हटाया हुआ है इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, कैशे डिसेबल नहीं होगा, अब कैशे रहेगा। अच्छा और प्लस साथ में क्या कर देता हूँ, कॉन्सोल के सारे लॉग भी उड़ा देता हूँ मैं, ठीक है। तो नेटवर्क के सारे लॉग और कंसोल के सारे लॉग मैंने उड़ा दिए और एप्लीकेशन के अंदर ये कुकी अभी भी मौजूद है टोकन की सूरत में। अच्छा अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, रिफ्रेश होते ही ये टोकन जाके वापस आ रहा है, ये क्या चक्कर है? टोकन जाके फिर वापस आ रहा है, ये देखो टोकन जाके वापस आ रहा है, ठीक है सीन है यार। टोकन मौजूद है इसके अंदर लेकिन टोकन थोड़ी देर के लिए चला जाता है। अच्छा इसका मतलब है कि टोकन मौजूद है, मेरी रिक्वेस्ट के अंदर ही कोई इशू है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास कौन कौन सी रिक्वेस्ट यहाँ पे लगती है? यार वो वाली रिक्वेस्ट तो लगी नहीं थी जो शुरू में मैं चलाता था, शुरू में मैं एक रिक्वेस्ट चलाता था ना, क्या नाम रखा था मैंने उसका, शुरू में मैं एक अपने फ्रंट एंड से मैं एक रिक्वेस्ट चलाता था चेक करने के लिए कि बंदा लॉग इन है कि नहीं है। ना ये यूज़ इफेक्ट में कहीं पे लगा हुआ है वो विथ क्रेडेंशियल ट्रू, यहाँ पे चलो मैंने लगाया हुआ है। अरे यार ये देखो ना ये मसला हो रहा है, ये कैसे हो गया यार? ये पहले भी हुआ था एक दफ़ा, यार इसने मेरा मीटर शार्ट कर दिया बिल्कुल। यार ये कैसे हो जा रहा है? थोड़े मुझे अभी समझ आ गया ये कैसे हो रहा है, मुझे भी समझ आ गया कैसे हुआ ये। ये पता है कैसे हो रहा है? जब ये सिंगल कोड लगता है और मैं इसको कंट्रोल एफ करता हूँ जब होता है ये मुझे समझ आ गया। समझ आया क्या हुआ ये? देखो जब मैं ये स्ट्रिंग लगा रहा होता हूँ ना, नहीं सही है ना, उसने बोल रहा है ना नहीं आ रहा, तो मैं मेरा काम है समझाना, बता दिया था मैंने एक्चुअली लेकिन गेट नहीं होता ना एक दफ़ा में सम टाइम, तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा भैया नहीं मैं ऐसे लगा दिया मैंने ये, तो ये क्या हो गया?
ये स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हुआ या ख़त्म हो गया ना, इस तरह ऐसे ही करते हैं ना हम। जैसे मैंने कोई वेरिएबल बनाया, मैंने कहा भाई लेट ए इक्वल्स टू, और ऐसे ऐसे लगाया यूँ, और इसके अंदर कुछ मैंने ये बात लिख दी, ये सही हो गया। समटाइम क्या होता है, ये बंद होने वाला या तो रह जाता है, तो नीचे वाले सबको क्या कंसिडर कर लिया इसने, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बीच में अगर ये लगा हुआ, इसका क्या मतलब है, ये जावास्क्रिप्ट है। और जब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे इस पॉइंट पे फॉर्मेट करूँगा ना जब मैं, तो ये हो जाता है, सही है। तो इसका मतलब है कि जब भी मैं बैक टिक लगाऊंगा तो मुझे मोहतात रहना है इस मामले में, सही है। ये था इशू, ये था इशू। अब मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, अब कुछ भी नहीं हो रहा, दैट वाज दी ओनली इशू, ठीक है। लेकिन हमारे पास वो वाला इशू भी था एक्चुअली, जो बंदा लॉगिन नहीं है और मैं उसके बावजूद उसको इमिट मार रहा था ना, मैं वो वाला भी इशू था, सही हो गया जी, ये हो गया। अब मेरे सर्वर पे देख लेता हूँ मैं, कोई और इशू तो नहीं आ रहा, सही है, आई एम गुड टू गो नाउ। अच्छा, अब लास्ट चीज़ जो मैंने करनी है वो ये करनी है कि सर्वर डॉट एम जी एस के ऊपर ना, मुझे जैसे ये यूज़र के कनेक्ट होने पर मुझे मिलता है, इसी तरह यूज़र के डिस्कनेक्ट होने पे भी मुझे इवेंट मिलता है, सही है। यूज़र जब मेरे पास से डिस्कनेक्ट होता है ना, तो भी मुझे पता नहीं क्या होता है, देख लेते हैं हम। क्लाइंट इनिशियलाइजेशन, कनेक्शन एक तो मिलता है और एक डिस्कनेक्ट होने पे भी मिल रहा होता है मुझे। ये रहा सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट, सही है, और रीज़न भी बता रहा है ये साथ में, तो ये मैं पूरा ही उठा लेता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार आई ओ डॉट ऑन डिस्कनेक्ट पे मुझे क्या बताओ कि यूज़र डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। पिंग टाइम आउट आ सकता है रीज़न में, या कुछ भी इस तरह की चीज़ आ सकती है। अब क्या होगा, ये न्यू क्लाइंट कनेक्टेड तो जो लिखा हुआ आता है ना, ये तो आता है मेरे पास, लेकिन साथ में मेरे पास अब क्या आएगा, अब मेरे पास डिस्कनेक्ट होना और उसका रीज़न और उस बंदे की जो आईडी थी, वो सारी चीज़ें, वो सारा कुछ मुझे मिल रहा होगा यहाँ पे, सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनकॉग्निटो में जो है ना, ये वाला जो टैब है, इस टैब को अगर मैं क्लोज कर दूँ, मेरे पास बहुत सारे टैब खुले हुए हैं एक ब्राउज़र के अंदर, लेकिन ये वाला जो टैब है, जो कि मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो क्या होता है, ये सॉकेट दोबारा डिस्कनेक्ट होता है, लेकिन दोबारा कनेक्ट हो जाता है। लेकिन इस टैब को अगर मैं बंद कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो मैं इस टैब को बंद कर देता हूँ। इस टैब को बंद करते ही मुझे यहाँ पे क्या मिल जाना चाहिए, यहाँ पे मुझे इवेंट मिल जाना चाहिए, वो डिस्कनेक्ट वाला। इवेंट नहीं मिला यार मुझे, अच्छा जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, जब भी वो एक दफ़ा डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट होता है ना, तो वो भी मुझे नहीं मिला। इसके साथ मैं ये लगा देता हूँ, डिस्कनेक्ट इवेंट, ताकि मुझे पता लगे कि ये आ भी रहा है एग्जैक्टली या नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट टी करता हूँ, अच्छा कंट्रोल शिफ्ट टी इसमें नहीं होता, तो मैं हाथ से लिख लेता हूँ लोगल 3000, लॉगिन तो है ना मेरा बंदा, मुझे पता है, ठीक है। दोबारा से कनेक्ट हो गया ये, ठीक है, न्यू क्लाइंट कनेक्टेड विथ दिस 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 आई डी। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको अगेन डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ, ये मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो मुझे डिस्कनेक्ट का इवेंट मिल ही नहीं रहा सिरे से, ये क्या सीन है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है यार, डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट तीन जगह पे जिक्र है इसका, डिस्कनेक्ट का। चलो चैट जीपीटी से पूछ ही लेते हैं, आई एम नॉट गेटिंग डिस्कनेक्ट इवेंट ऑफ सॉकेट आयो ऑन माई सॉकेट सर्वर। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको ये नहीं पता लग रहा हो, ओके ओके गॉट इट, मैंने मिस्टेक की है, इसकी वजह से नहीं हुआ ये, मैंने मिस्टेक ये की थी, देखो मैंने मिस्टेक ये की है कि मैंने आयो के ऊपर डॉट ऑन डिस्कनेक्ट लगा दिया। आयो के ऊपर डॉट ऑन डिस्कनेक्ट लगाने का मतलब है कि ग्लोबली जो है ना, सारे यूज़र डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर उसके ऊपर वो करेगा, ठीक है। मैंने एक्चुअली किस पे लगाना था, मैंने सिंगल यूज़र पे लगाना था, सही है, सिंगल यूज़र के ऊपर लगाना था कि वो डिस्कनेक्ट हो तो मुझे मिले, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक्चुअली, ठीक है। और ये सॉकेट जो है ना, जिसको मैंने सेव करवाया है,
सही है, ये यहाँ लगा देता मैं, या फिर इसको मैं मे भी यहाँ लगा देता, यहाँ लगाऊंगा मैं एक्चुअली इसको, राइट। सही है, जिस सॉकेट को मैंने ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाया ना, ये उसी सॉकेट पे मैंने डिस्कनेक्ट लगाना है, ठीक है। तो जब जाके मुझे ये पता लगेगा कि वो बंदा डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब जाके ज़रा दोबारा से मैं अंकल जॉन को, अंकल जॉन के लिए मैं ये 3000 खोलता हूँ, ठीक है। अंकल जॉन कनेक्ट हो गए, ठीक है। किसी को भी मैसेज करने की कोशिश की इन्होंने, तो ज़ाहिर है ये कनेक्ट हो गए। और अब मैं इनको आता हूँ और डिस्कनेक्ट करवाता हूँ, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट इवेंट मुझे मिल गया, ट्रांसपोर्ट क्लोज। अच्छा, तो डिस्कनेक्ट के इवेंट मिलने पर मुझे क्या करवाना है, डिस्कनेक्ट के इवेंट के मिलने पर मुझे क्या करवाना है, इस यूज़र को जो मैंने स्टोर किया हुआ था वेरिएबल में, इसको अपने वेरिएबल से रिमूव भी करना है, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसको रिमूव करने के लिए मुझे उस बंदे की आईडी चाहिए, अंडर स्कोर आईडी चाहिए मुझे, जिसके थ्रू मैंने स्टोर करवाया हुआ था। अब वो अंडर स्कोर आईडी तो मुझे अब नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ कि आया कि मुझे वो मिल जाए एटलीस्ट, क्या बोलते हैं, उसकी जो सॉकेट वाली आईडी जो जनरेट हुई थी, अगर वो मुझे मिल जाए, ठीक है। मैं जाके चैट जीपीटी से दोबारा बोलता हूँ कि भाई ये डिस्कनेक्ट का इवेंट तो मिल रहा है, ऑन डिस्कनेक्ट इवन आई वॉन्ट टू प्रिंट यूज़र आई डी। सही है, दो आई डीज मेरे पास मौजूद है, एक तो अंडर स्कोर आई डी है और एक जो है ना मेरे पास वो है सॉकेट की आई डी है, गेट यूज़र आई डी सम हाउ। कह रहा है गेट यूज़र आई डी सम हाउ। वेल, यहाँ पे जो मेरे पास डिस्कनेक्ट का इवेंट था ना, इसके अंदर मैं देख लेता हूँ कि मुझे वो क्या वो आई डी भी मुझे देगा या नहीं देगा, वो आई डी भी मुझे देगा या नहीं देगा। अच्छा, वैसे ये कोई इतना ज़्यादा क्रूशल नहीं है, मतलब अगर मिसाल के तौर पे मैं उसको डिस्कनेक्ट नहीं करता हूँ तो उससे होगा क्या, मसला क्या होगा। मसला उससे ये होगा कि वो मेरा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, बना हुआ है, मिसाल के तौर पे 200 यूज़र कनेक्ट हुए और डिस्कनेक्ट हो गए, तो वो जो ऑब्जेक्ट मेरे पास बना हुआ है ना, वो उसमें 200 यूज़र सेव रहेंगे, हालांकि वो उनमें से कोई भी 200 में से इस वक्त स्क्रीन खोल के नहीं बैठा हुआ, लेकिन उन 200 के 200 का जो वापसी का एड्रेस है ना, वो उस वेरिएबल में स्टोर है, जो रिलीज़ ही नहीं होगा जब तक मैं उसको खुद नहीं रिलीज़ करूँगा वहाँ से। तो इसलिए मुझे क्या करना है, हर यूज़र के डिस्कनेक्ट होने पे उसको रिलीज़ करवाना है। अगर मैं ना करवाऊँ, मेरी रैम थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगी रहेगी, ठीक है। ऑन अदर एंड, अगर मेरे पास 2 मिलियन यूज़र कनेक्ट होकर वापस डिस्कनेक्ट हो जाए, तो उन सब के वापसी का एड्रेस वहाँ पर स्टोर रहेगा। तो मसला ये है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई यूज़र था, मिसाल के तौर पर यूज़र था अंकल जॉन, वो आए कनेक्ट हुए, उनका मैंने स्टोर किया वेरिएबल में, वापसी का एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ ना असल में। तो मैं अब अंकल जॉन अपना कंप्यूटर बंद करके चले गए, अंकल जॉन अपना कंप्यूटर बंद करके चले गए, मेरे पास उनके वापसी का एड्रेस स्टोर है। जब मेरे पास कोई यूज़र आता है, अंकल जॉन को मैसेज करता है, मैं उस वापसी के एड्रेस पे मैसेज भेजता हूँ, लेकिन अंकल जॉन तक वो नहीं पहुँचेगा, ना मेरे पास कोई एरर आएगा, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर दिया ना, उस रास्ते पर मैंने एक चीज़ रवाना कर दी। अब वो वहाँ पर मिले या ना मिले अंकल जॉन को, वो उनका मसला है, ठीक है। उनको चाहिए था कि वो उस पर लॉग इन करके बैठे रहते, तो लिहाजा मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। अगर उसको मैं रिमूव ना करूँ ना, तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, मेरे पास बिल्कुल सही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था, ठीक है। लेकिन रिमूव मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं मुझे अपने ऐप को मेमोरी एफिशिएंट रखना है। अच्छा, अब क्या होगा, अब अंकल जॉन को मैसेज भेजे जा रहा हूँ मैं अपने सर्वर से, उनके पास पहुँच ही नहीं रहा। अब जब वो अपना दोबारा लॉग इन करेंगे, तो एक नया कनेक्शन बिल्डअप होगा, एक नया कनेक्शन बिल्डअप होने की सूरत में वो ऑन कनेक्ट दोबारा चलेगा, और मेरे वेरिएबल के अंदर अंकल जॉन की अंडर स्कोर आई डी के अगेंस्ट जो ऑब्जेक्ट था वो रिप्लेस हो जाएगा नए ऑब्जेक्ट के साथ। यानी अब जो वापसी का रास्ता है वो आ जाएगा मेरे पास, तो अब जब मैं भेजूंगा तो उनके पास पहुंचने लग जाएगा। तो मुझे फील बिल्कुल भी नहीं होगा अगर मैं डिस्कनेक्ट पे उसको रिमूव ना करवाऊँ तो, लेकिन मैं स्टिल ये चाह रहा हूँ कि मैं अगर उसको समहाउ रिमूव करवा पाऊँ, ठीक है। रीज़न के साथ कॉमा लगा के और मुझे क्या चीज़ मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। रीज़न के साथ डिस्क्रिप्शन मिल रही है, तो मैं डिस्क्रिप्शन को भी ज़रा यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन के अलावा भी कुछ मिलेगा, नहीं कुछ नहीं मिलेगा और, ठीक है। तो मैं रीज़न के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे क्या करवा देता हूँ, कंसोल करवा देता हूँ। और अब मैं देखता हूँ कि ये कनेक्शन पे मुझे सही है, न्यू क्लाइंट आईडी कनेक्टेड आ गया। और अब जब मैं उसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, डिस्क्रिप्शन में मेरे पास अनडिफाइन आता है। लिहाजा मेरे पास इस जगह पर डिस्कनेक्ट होने वाले इवेंट पर मुझे बिल्कुल भी वो नहीं पता लग रहा कि जो है ना कौन सा वाला वो हुआ है ये, ठीक है। अब इसका कोई ना कोई तरीका हो सकता है, लेकिन राइट नाउ मैं चाहूँगा कि इस क्लास को यहाँ पे रोक लिया जाए, ठीक है। डिस्कनेक्ट करने पे उसको कैसे रिमूव करवाया जा सकता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर से,
वो आप खुद से फिगर आउट भी कर सकते हैं, या उसको अगर ना भी करवाएं तो जस्ट मेमोरी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा, एरर कोई भी नहीं आएगा, बिल्कुल सारी चीज़ें फ्लुएंट चलेंगी। ठीक है जी, तो इस कोड को मैं अभी हाथ के हाथ पुश कर देता हूँ। इसको मैं क्या लिख दूँ, सिक्योरिंग सॉकेट सर्वर, ठीक है, विथ JWT, एंटर और पुश। ठीक है, ये सारा का सारा कोड मैंने जो है क्या कर दिया, पुश कर दिया है, और आप सब लोग ये github.com पे जाके मेरी रिपॉजिटरी में इस कोड को देख सकते हैं, इसको मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगली क्लास में।